प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के द्वारा एक बड़ा आदेश आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 23/7/2021 को समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश और समस्त सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश को एक लेटर लिखा गया दोस्तों, जिसमें स्कूल खोलने के संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की अपडेट लेके आते हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी दोस्तों। शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए ये नियम दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में दिनांक 26 जुलाई 2021 से विद्यालयों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति के साथ पाठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। COVID-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए निर्देश को जान लेते हैं, क्या क्या निर्देश हैं। प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई, हायर सेकेंडरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ 100% के साथ ही खोले जाएंगे। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। चलिए और आगे के निर्देश को जान लेते हैं, जो कि यहां पर बताया गया, तो उनको भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने की भी जो क्षमता है वो 50% से अधिक ना हो। संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता के अनुसार आवश्यक निर्णय ले सकेंगे, ताकि COVID-19 हेतु नियत प्रोटोकॉल का पालन आसानी से किया जा सके। विद्यालय में प्रार्थना सभा, स्विमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहां तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। इतना हूं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंध किया जा रहा है, तो बसों, अन्य परिवहन वाहनों में समुचित रूप से भौतिक दूरी निश्चित करते हुए 50% क्षमता के साथ ही स्कूल वाहन संचालित हो पाएंगे, या फिर अन्य वाहनों का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के उपयोग से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों तो छात्रावास भी 26 जुलाई 2021 के प्रारंभ में किए जा सकेंगे। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियों की जानकारी दे दी गई है। प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी का टीकाकरण अनिवार्य होगा। छात्रावास के सैनिटाइजेशन, बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, कक्षा 12वीं के लिए दिनांक 5 अगस्त 2021 से कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ की जा सकेंगी। कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ हेतु वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थानों के सैनिटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कोचिंग संचालन में नियत कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थानीय कोचिंग संस्थानों के संचालन के नियमित रूप से इस बात की जांच करेगा कि उक्त संस्थानों द्वारा कोविड 19 का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। अगला पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। विद्यालय, छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान को निर्धारित किए गए कैलेंडर अनुसार ही खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण जिला आपदन प्रबंधन समिति में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला आपदन प्रबंधन समिति के अनुसार उक्त संस्थाओं का प्रारंभ करने के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। यदि जिला आपदा प्रबंधन समिति प्रस्ताव से भिन्न मत रखती है तो संबंधित कलेक्टर के कारण दर्शित करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। इस तरह के आज आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी आपके जो 9वीं से 12वीं तक की स्कूलें हैं कंटिन्यू आपके चालू करने होने वाली हैं। आप समझ लीजिए 5 अगस्त से कंटिन्यू चलेंगी, लेकिन अभी 26 जुलाई से केवल और केवल 11वीं और 12वीं की क्लासेस चलेंगी। उसमें भी यहाँ पर पहले मैंने बता दिया कि आपको जो दिन यहाँ पर है वो निर्धारित कर दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आने वाली जो भी जानकारी होगी तो सबसे पहले हम आपको लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।